मैनपुरी में बाई इलेक्शन होना है, चर्चाएं चल रही है, तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, आज हम पहली तो सीपी राय साहब की मां के निधन पर शोक संवेदना देने आए, तो अभी तो ये तो पॉलिटिकल मामले होंगे, तो ये तो बात की बात नहीं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। संभल में आपने एक बयान दिया था कि परिवार एकजुट है, क्या पॉलिटिकली तौर पर पूरा परिवार एकजुट तो नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा? चलिए, जो आप लोगों को देख रहा है वही समझिए। आगे क्या भविष्य तय होना है, कुछ एक लाइन दीजिए। तो भविष्य तो आएगा, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिटिकली परिवार फिर इकट्ठा हो जाएगा? हम भी चाहते हैं हो जाए। एक बड़ा सवाल ये है कि बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी लगभग एकदम बाइकआउट कर चुकी है, सीधे तौर पर वो बीजेपी को वॉकओवर दे रही है, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, रामपुर का हो, चाहे अब गोला का चुनाव हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी सीधे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है या वॉकओवर कर रही है? तो ये सवाल तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पूछिए। अब हम लोग तो देश और प्रदेश की बात सोच रहे हैं। मैनपुरी के बाई इलेक्शन में क्या रहेगा, PSPL क्या चुनाव लड़ेगी? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है, अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। समाजवादी पार्टी में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या प्रस्ताव उसमें भले करेगी? चर्चाएं बड़ी जोर चल रही है कि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब समय आने दो, प्रस्ताव आने दो। मैनपुरी में बाई इलेक्शन होना है, चर्चाएं चल रही है, तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, आज हम पहली तो सीपी राय साहब की मां के निधन पर शोक संवेदना देने आए, तो अभी तो ये तो पॉलिटिकल मामले होंगे, तो ये तो बात की बात नहीं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। संभल में आपने एक बयान दिया था कि परिवार एकजुट है, क्या पॉलिटिकली तौर पर पूरा परिवार एकजुट तो नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा? चलिए, जो आप लोगों को देख रहा है वही समझिए। आगे क्या भविष्य तय होना है, कुछ एक लाइन दीजिए। तो भविष्य तो आएगा, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिटिकली परिवार फिर इकट्ठा हो जाएगा? हम भी चाहते हैं हो जाए। एक बड़ा सवाल ये है कि बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी लगभग एकदम बाइकआउट कर चुकी है, सीधे तौर पर वो बीजेपी को वॉकओवर दे रही है, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, रामपुर का हो, चाहे अब गोला का चुनाव हो रहा है, क्या समाजवादी पार्टी सीधे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है या वॉकओवर कर रही है? तो ये सवाल तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पूछिए। अब हम लोग तो देश और प्रदेश की बात सोच रहे हैं। मैनपुरी के बाई इलेक्शन में क्या रहेगा, PSPL क्या चुनाव लड़ेगी? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है, अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। समाजवादी पार्टी में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या प्रस्ताव उसमें भले करेगी? चर्चाएं बड़ी जोर चल रही है कि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब समय आने दो, प्रस्ताव आने दो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।